Dear students, assalamu alaikum. I, Raja Zakir Hussain Khan, teacher from Government Girls Middle School, Kaschama, Cluster Milyal and Zone Kralpura. Dear students, today we are going to discuss about 7th class math exercise number 2.2. The question number 1 of this exercise 2.2 is that which of the drawing A to D, yani bachcho yahan kuch drawing di gayi hain और यहाँ नीचे कुछ ये पार्ट्स दिए गए हैं, तो इनको हमें मिलाना है, इनका हमें मैच करना है, यानी कौन सा पार्ट किस ड्राइंग के साथ मिलता है। अभी जैसे पार्ट नंबर हमारा एक है 2.1/5, यानी 2 सही 1/5, और दूसरा पार्ट है हमारा 2 सही 1/2, और तीसरा पार्ट है हमारा 3 सही 2/3, और चौथा पार्ट है हमारा 3 सही 1/4। आपको सीधा देखना है बच्चों कि देखो हमारे पास ये 3 शक्लें हैं, 1, 2, 3, यानी 3 सर्कल हैं, और हर एक सर्कल के यहाँ 3 पार्ट्स हैं, और इन 3 पार्ट्स में से दो पार्ट जो हैं उनको हमने भरा है, उनको हमने शेड किया है, उनको हमने फिल किया है, यानी 2 पार्ट्स को हमने फिल किया है। टोटल हमारे पास 3 सर्कल हैं और हमने हर सर्कल के 2 हिस्सों को भरा है, उसका मतलब है 2 सही 3/2, यानी एक तो ये 3 शक्लें और इसका मल्टीप्लाई जो हमने किया वो किया 2/3, यानी हर शक्ल के ये जो 2 पार्ट्स बड़े हैं और एक पार्ट खाली है, इसको हमने इसका आंसर आएगा ये, यानी पार्ट नंबर 3 इसका आंसर है। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर बी आता है, हमारे पास 2 सर्कल हैं, 1, 2, और हर सर्कल के 2 हिस्से हैं, 1, 2, यानी 2 सर्कल, हमारे पास 2 स्क्वायर हैं, और 2 स्क्वायर में इन 2 स्क्वायरों के 2 हिस्से किए हैं, 2 शक्लें हैं, 1, 2, यानी 1 स्क्वायर ये है, 1 स्क्वायर ये है, और दोनों स्क्वायरों में 2 स्क्वायरों के 2 हिस्से हैं, और इनमें से एक एक हिस्से को भरा हुआ है, यानी उसका मतलब है हमारे पास 2 शक्लें हैं, 1, 2, और इनके 2 हिस्से हैं, एक एक हिस्सा भरा हुआ, उसका मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो उसका मतलब है बच्चों इसका आंसर है पार्ट टू, ये इसका आंसर है बच्चे, पार्ट टू इसका आंसर। अब इसी तरीके बच्चों हमारे पास 3 स्क्वायर है, 1, 2, 3, और 3 स्क्वायर में से हर एक स्क्वायर का जो एक हिस्सा है ये बड़ा हुआ है, यानी पहले हमने लिखनी है शक्लें कितनी, कितने स्क्वायर है हमारे पास, 1, 2, 3, आगे 3, और उसके बाद हमने देखना है कि हर शक्ल का कितना हिस्सा भरा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय मतलब 1, 2, 3, 4, और 4 में इन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा भरा हुआ है, उसका मतलब है 3 सही 1/4, तो ये बच्चों इसका आंसर है, यानी पार्ट 4 जो है वो ड्राइंग सी जो है इसका आंसर है। इसके बाद है बेटे हमारे पास पार्ट डी, पार्ट डी में बेटे हमारे पास 2 सर्कल हैं, पार्ट डी में हमारे पास 2 सर्कल हैं, 1, 2, और एन में कितने हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसके 5 हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और दूसरे सर्कल के भी 5 हिस्से हैं, लेकिन इन 5 हिस्सों में एक हिस्से को हमने शेड किया है, उसका मतलब है 2 multiplied by 1/5, यानी 2 ज़र्ब 1/5,